दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। रोहित शेट्टी की जिंदगी का सफर हर किसी के लिए मिसाल। पिता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर डायरेक्टर थे और माँ फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट का काम करती थी। इतना ही नहीं, उनकी नानी अपने जमाने की मशहूर अदाकारा भी थी। ऐसे परिवार में पैदा हुए बच्चे के लिए भला किसी चीज की कमी हो सकती है? लेकिन नहीं जनाब, वक्त को आगे किसी की नहीं चलती है। समय किसी भी इंसान को अर्श से उर्फ बना सकता है, और कुछ ऐसा ही बॉलीवुड के मशहूर फिल्म मेकर रोहित शेट्टी के साथ हुआ था। आज वो अरबों रुपए के मालिक है, लेकिन उनकी हमारे जिंदगी में उन्हें हजारों करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब उनको एक एक रुपए के लिए मोहताज रहना पड़ता था। ये सब कुछ उनके पिता एमबी शेट्टी के एक असहाय में मौत के बाद हुआ था। रोहित शेट्टी अब महज 9 साल के थे वह जब उनके पिता का साया उन पे से उड़ गया था और माँ ने घर को संभाला था, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था और गुजारे के लिए पैसे कम पड़ जाते थे और इनके घर की हालत ऐसी थी कि वह देखकर रोहित अपनी पढ़ाई के बीच में भी छोड़कर चले गए थे। वह जंग की माता पिता और फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे और लेकिन इसीलिए वही काम तलाशना शुरू कर लिया था और पहले स्पॉट बॉय का काम करते थे और इसके बाद वह बहुत कम लोगों को पता था कि एक्टर्स काजल के एक स्पॉट बॉय हुआ करते थे सुनील शेट्टी। साल 1995 में एक फिल्म आई थी हकीकत, इससे एक्ट्रेस तब्बू में लीड रोल किया था। उनकी शूटिंग के दौरान रोहित तब्बू की एक साड़ियाँ प्रेस किया करते थे। 17 साल की उम्र में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर फिल्म फूल और कांटे के उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। फिल्म परिवार के जन्मे लेकिन तंगी के बीच अपना रास्ता खुद बना लिया। रोहित शेट्टी के एक इंटरव्यू में अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बात की है। जब मैंने काम शुरू किया था तब घर चलाने के लिए पैसे कमाना चाहता था और पिताजी के निधन के बाद मैंने कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि मैं जानता था कि किताबों और कपड़ों के लिए पैसे कहाँ से लाए जाएंगे और मुझे पता था नहीं था कि ये सब कौन देगा। इसीलिए मैंने काम करना शुरू कर दिया था और मैंने पहली कमाई 35 रुपये कमाई थी और इसमें मेरी बड़ी बहन मुझे भाग्यशाली कहती थी क्योंकि इतने भगवान के साथ वह मैंने फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाई है और मुझे मेरे फैंस के बहुत सपोर्ट मिला है और उसके बाद वह वजह रही है कि मेरी मेहनत काम लाई है, मेरी फिल्मों के अच्छा प्रदर्शन किया है और सब कुछ चालू की तरह हो रहा था। मुझे फैंस और मीडिया से बहुत प्यार मिला है। मुंबई की गलियों के खाक छानी है लेकिन अभी जिंदगी हार नहीं मानी है। रोहित शेट्टी ने काफी संघर्षों का सामना किया है। फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद फैंस ने संघर्षों के बारे में फिल्म मेकर कहते हैं, वास्तव में यह एक आसान यात्रा नहीं थी और लोगों के अलावा वह लगता है कि चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में हूँ तो मेरे लिए यह आसान बात होगा, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे। इतना ही नहीं, इतना कम पैसे मिलते थे कि गुजारा करना काफ़ी मुश्किल होता था और मुझे खाने और ट्रैवल के बीच चुनना पड़ता था। उसके बाद क्योंकि मैं पैसे इतने कम होते थे कि वह खाना लिया और आने जाने में भी पैसे नहीं बच पाते थे, इसीलिए मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया था और मैं कई बार मलाड से अंधेरी पैदल चल कर आता था और मुझे धूप में 1.5-2 घंटे लग जाते थे और मैं गलियां जानता हूँ। इसीलिए अब जब मैं अपने ड्राइवर को कहता हूँ कि यह रास्ता लो तो वह नहीं तो वह एक रियर व्यू मिरर के मेरी तरफ से देखता है कि मैं ये रास्ते कैसे जानता हूँ। लहरों के डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, रोहित शेट्टी ने जीवन संघर्षों पर एक सोहनलाल द्विवेदी की यह कविता सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी भी अपना दाना देखकर चलती है और इसीलिए वह चढ़ती दीवारों पर भी 100-100 बार फिसलती है और मन का विश्वास रंगों एक असहाय भारत है और वह चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना एक अखाड़ा है। आखिरी उनकी मेहनत बेकार नहीं गई है, कोशिश करने वालों की हार भी नहीं हुई है। साल 2003 में उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी पहली फिल्म जमीन का निर्देशन किया था और जो खास कमाई नहीं कर पाई थी और इस फिल्म के बाद उन्हें साथ को कोई काम कर देख को तैयार भी नहीं था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। अपने मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और इसी दौरान उनके अभिनेता अजय देवगन में एक गहरी दोस्ती भी हो गई थी। रोहित और अजय के पिता स्टंटमैन थे और इसीलिए दोनों के अंदर एक एक्शन
का एक जन्माया जाता था और उनके विचारों पे आप से बहुत मिलते थे। और उसके बाद वह फिल्म के एक असफलता के बीच 3 साल बाद भूषण ने अपने दोस्त अजय के साथ साल 2006 में फिल्म गोलमाल पर अनलिमिटेड बनाई थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अब तक गोलमाल सीरीज के 4 फिल्में बन चुकी है और चोरी की वह बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सुपरहिट साबित हुई है। बतौर डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपने दोस्त अजय देवगन के साथ 10 फिल्में बनाई है। बेहतरीन फिल्म मेकर, शानदार इंसान जो हर किसी का रखता है ख्याल, रोहित शेट्टी को यदि राज कपूर के बाद बॉलीवुड में शोमैन के कहा जाता है और वह गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से खराब खराब हालात में बावजूद सफलता हासिल की है वह बेमिसाल है। उनका यह खास फॉर्मूला है और वह एक मास इंटरनेट फॉर्मेट का एक फिल्म बनाते हैं जिससे लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। फिल्मों के एक एक्शन कॉमेडी मसाला और कलर सहित वो हर चीज पर ध्यान देते हैं और जो दर्शकों के मनोरंजन कर सकती है। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद भी सिनेमाघरों में हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बॉलीवुड के निर्माता फिल्मों की रिलीज से बच रहे थे और इसी वक्त रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म सूर्यवंशी रिलीज कर दी थी और ताकि वह फिल्म इंडस्ट्री को एक सवाल करा जा सके। इतना ही नहीं, कलाकारों के काम मिल सके इसीलिए वह उन्होंने फिल्म सर्कस बनाई थी और इसी फिल्म के करीब 2 दर्जन कलाकारों के कास्ट किया गया था जो किसी न किसी रूप में रोहित शेट्टी से जुड़े हुए थे। पहली सैलरी 35 रुपये मिली थी लेकिन आज नेटवर्थ हजारों तक गया है। गोलमाल, सिंगम, बोल बच्चन, सिम्बा और सूर्यवंशी जैसे मशहूर फिल्मों का निर्देशन करने वाले रोहित शेट्टी के एक टेलीविजन सीरियल शोरेलिटी शो को भी होस्ट किया है और वह कलर्स टीवी पर दिखाया जाने वाला शो खतरों के खिलाड़ी बहुत मशहूर है। 35 रुपये सैलरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले इस डायरेक्टर का नेटवर्थ आज 280 करोड़ रुपए है और उनका आय एक प्राथमिक स्रोत फिल्मों से निर्देशन है। इसके साथ ही इस कई फिल्मों में निर्माता भी कर रहे हैं और यह रोहित शेट्टी की फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक है और जिसको साल 2016 में शुरू किया गया था। और एक जमाने में पैसे बचाने के लिए फिल्म सिटी में पैदा जाने वाले रोहित शेट्टी कई शानदार लग्जरी कारों के मालिक भी हैं। उनके पास BMW, रेंज रोवर और बेंज जैसी कारें मौजूद है और जिनकी कीमत करोड़ों की है। रोहित शेट्टी की जिंदगी का सफर हर किसी के लिए एक मिसाल जैसा है। जैकी भगनानी ने संभाली बड़े मियां छोटे मियां की पूरी कमान। बतौर एक्टर बॉलीवुड में फिल्मों में नाम कमाने वाले जैकी भगनानी अब पूजा एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म बड़े मियां छोटे मियां के निर्माण के रूप में अपकमिंग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से सिद्धित कर चुके हैं। हाल ही में इस फिल्म का शूटिंग ग्लोस्लो एक जा रहा था और इसी में पूरे प्रोडक्शन हाउस में उनके आने वाले वेंचर को अच्छी तरह से संभालने हुए वह पूरे कंट्रोल में रखा हुआ था और जैकी एक निर्माता की भूमिका में खड़े उतरे। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया फिल्म के सेट पर एक बिहाइंड वह कैमरा तस्वीर साझा की है और क्योंकि वह इस वक्त खुद भी वहाँ मौजूद थे और पूरी तरह से अपनी फिल्म का एक प्रक्रिया में शामिल नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा था कि ऐसा कोई जगह नहीं जहां मैं रहना चाहूंगा और जिसका यह मरना जहां उसके सिवा कहा जाऊंगा। और इसी बीच जैकी भगनानी के एक पूजा एंटरटेनमेंट के साल 2023 में इस सबसे आशाजनक स्टोर्स के एक कहा है वहां एक गणपत पार्ट 1 जहां मेकिंग में बन रहा है और यही जो बड़े मियां छोटे मियां अपने प्रोडक्शन में फैंस है। और इसके अलावा कुछ और फिल्म भी लाइन में है जैसे घोषणा की जाने वाली है। पाशु भगनानी और पूजा एंटरटेनमेंट के इस अली अब्बास जबर द्वारा लिखित निर्देशन एएनज फिल्म के सहयोग के लिए बड़े मियां छोटे मियां और पाशु भगनानी एक दीपशिया देशमुख जैकी भगनानी हिमांशु किशन महेश और अली अब्बास जफर के प्रोडक्शन किया गया है। पूजा एंटरटेनमेंट की यह एक्टर इंटरनेट के 1 दिसंबर 2023 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। भारती सिंह के बेटे गोला पर भी चढ़ा नाटू का कुमार। कॉमेडी क्वीन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया को बेटा गोला किसी सोशल मीडिया सेंसेशन से कम नहीं है और गोला यानी लक्ष्य का यह एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में गोला ऑस्कर विनर सॉन्ग नाटू नाटू पर धमाकेदार डांस करता नजर आ रहा है। वीडियो को देख फैंस काफी खुश हो रहे हैं, गोला पर प्यार भी बरसा रहे हैं।
जहां ऑस्कर विजेता के बाद नाटू गाना लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। गाने का एक कुमार भारतीय पर और भारतीय के बेटे पर भी चढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं क्या है खास इस वीडियो में। वीडियो को शेयर करते पर भारती सिंह ने लिखा है, जैसे आज गोला के पता चला है कि द एलिफेंट्स बीट्स और ट्रिपल आर को ऑस्कर मिला है तो वह खुश हो गया था। इस वीडियो के गोला काफी खुश नजर आ रहा है और वह बैकग्राउंड में नाटू नाटू का एक सॉन्ग बज रहा है और गोला उस पर क्यूट परफॉर्मेंस कर रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि वह सेलिब्रिटीज तक प्यार उठा रहे हैं। वीडियो पर गौहर खान ने कहा है, माशाल्लाह क्यूट पटोली, और वह उस पर वह ऊपर वाले का एक चीज मशहूर वहाँ है। और इस एक और इसर ने कहा है कि हम भी सब खुश है कि गोला की तरह इंडिया के दो ऑस्कर जीता है। चर्चा में है ऑस्कर की तस्वीर सोशल मीडिया पर। बीते दिन आपको बता दें कि 95वें ऑस्कर अवार्ड में एस एस राजामौली की फिल्म ट्रिपल आर के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग से अवार्ड नवाजा गया है। और वही इस दौरान द एलिफेंट विस्पर को भी अवार्ड मिला है। भारत के लिए एक अवार्ड सेरेमनी काफी खास थी। सोशल मीडिया पर फिलहाल अब खबर चर्चा में हुई है कि फैंस काफी खुश बताए जा रहे हैं। इस अवार्ड की सेरेमनी में कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है और इस दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भारत को प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वही गोला का यह वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ है। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकॉक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS News।